नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। रांची पटना भागलपुर रूट पर चलाई जाएंगी ट्रेनें, छात्रों की सुविधा के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। आर्थिक विकास में बिहार ने पकड़ी तेजी। प्रति व्यक्ति आय में 7,584 रुपए की बढ़ोतरी। GDP में 14% का हुआ इजाफा। बिहार जमीन सर्वेक्षण का कार्य जारी। 36 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र किया दाखिल। 20,000 मौजों में खतियान लिखने का काम शुरू। दूसरे दिन भी सीएम ने किया बाढ़ प्रभावित का दौरा। पटना हाजीपुर में बाढ़ राहत कार्यों का किया निरीक्षण। राहत सामग्री बांटने के दिए निर्देश। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए इंतजार खत्म। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की तारीख आई सामने। SEB ने जारी किया एशिया कप का शेड्यूल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जमीन सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अब तक करीब 36 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र दाखिल किया है। इनमें से लगभग 25 लाख स्वघोषणा पत्र ऑफलाइन शिविरों में और करीब 11 लाख ऑनलाइन दाखिल किए गए हैं। बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की, जिसमें सचिव जयसिंह ने बंदोबस्त पदाधिकारियों के साथ जूम ऐप के माध्यम से बैठक की। जयसिंह ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया तय समय पर चल रही है, हालांकि कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस विषय पर अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। वर्तमान में स्वघोषणा का काम प्रदेश के 445 अंचलों में चल रहा है और सभी मौजों का परपत्र 5 यानी कि खतियान का सार लिखने का काम भी जारी है। आने वाले समय में इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी। बिहार से झारखंड जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि रेलवे ने खास तौर पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें रांची से पटना और भागलपुर के लिए शनिवार और रविवार को चलेंगी। आज और 22 सितंबर को आयोजित होने वाली CGL परीक्षा में बड़ी संख्या में बिहार के अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाकर उनके सफर को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है। बता दें कि ट्रेन नंबर 08626 रांची पटना परीक्षा स्पेशल आज 21 सितंबर को रात 9:40 पर रांची से रवाना होगी और सुबह 7:45 पर पटना पहुंचेगी। वहीं वापसी में 22 सितंबर को ये ट्रेन पटना से रात 8:45 पर चलेगी। भागलपुर के लिए भी 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन सभी ट्रेनों में साधारण श्रेणी के 18 कोच होंगे और ये मुरी, बोकारो, चंद्रपुरा जैसे विभिन्न स्टेशनों पर रुकेंगे। बिहार में हालात बेहद गंभीर है। गंगा, गंडक, घाघरा और सोन समेत कई नदियों में उफान के चलते राज्य में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। बिहार के 11 जिलों के 259 ग्राम पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे लगभग 5.35 लाख लोगों की जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। दुखद बात यह है कि इस बाढ़ के कारण अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हालात की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लगातार जलस्तर पर निगरानी रखने और राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं। SDRF और NDRF की 13 यूनिट तैनात हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए 971 नाव का परिचालन किया जा रहा है। चिकित्सीय सहायता के लिए 7 बोट एम्बुलेंस भी एक्टिव है। बिहार ने आर्थिक विकास में तेजी पकड़ी है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपए तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल की 59,244 रुपए से 7,584 रुपए की वृद्धि है। सिर्फ यही नहीं, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में भी 14.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अब 8,54,429 रुपए हो गया है। स्थिर मूल्य पर भी स्थिति सुधरी है। वर्ष 2022-23 में 33,763 रुपए के प्रति व्यक्ति आय अब 36,333 रुपए पर पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का आर्थिक विकास 9.2% के दर से बढ़ा है।
बिहार में बाढ़ की स्थिति बेहद गहराता जा रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संकट के बीच लगातार दूसरे दिन आज पटना और हाजीपुर के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कंगन घाट से लेकर हाजीपुर तक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने जल संसाधन विभाग को पूरी मुस्तैदी से हालात पर नजर रखने का निर्देश भी दिया है। बिहार के छपरा की रहने वाली गायिका स्वाति मिश्रा ने एक भजन गाया था, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। इस भजन ने उनके करियर को अर्श से फर्श पर ला दिया है। बता दें कि इस गाने को सोशल मीडिया पर 7 करोड़ से भी अधिक लोगों ने देखा है। अब स्वाति मिश्रा ने बॉलीवुड में काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में काम करने का उन्हें अगर मौका मिलता है तो वे जरूर करेंगी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार प्रकट किया और कहा कि उन्होंने हमारे भजन गीत को पोस्ट किया, उसके बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बता दें कि स्वाति आज की तारीख में टी सीरीज के लिए भजन गा रही हैं और इसके अलावा सारे गामा में भी काम कर रही हैं। आगे अगर उन्हें मौका मिलता है तो बॉलीवुड में काम करेंगी। बिहार की बेटी अक्षरा गुप्ता का चयन बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। उनका यह चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए किया गया है, जो 1 अक्टूबर से चेन्नई में होगा। अक्षरा जो कि रक्सौल की निवासी है, अक्षरा गुप्ता का सिलेक्शन बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में किया गया है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। अक्षरा ने अपने बारे में कहा कि वे अपने बेहतर खेल को जारी रखते हुए इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी और बिहार का मान बढ़ाएंगी। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित सरस मेले में हर दिन हजारों लोग जुट रहे हैं और महज 2 दिनों में 50,000 से अधिक लोगों ने मेले का दौरा किया है। इस मेले की खासियत की अगर बात करें तो यहाँ ग्रामीण उद्यमिता के झलक के साथ साथ हर उम्र के लोगों के लिए शिल्प कला के विविध रूप उपलब्ध हैं। लकड़ी के फर्नीचर से लेकर रसोई घर की सजावट, खेल खिलौने और अन्य जरूरत की वस्तुएं भी यहाँ मिल रही हैं। अभी तक 27 लाख से अधिक की खरीदारी हो चुकी है। अगर मेले के सेल्फी जोन की बात की जाए तो वे भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस खास जोन में आने वाले सभी लोग यादगार तस्वीरें खींच रहे हैं। बता दें सरस मेला 27 सितंबर तक जारी रहेगा। राज्य के कई कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े प्रधानाचार्य के पदों पर अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 171 कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों के लिए नियुक्ति का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि राज्य में कुल 268 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिनमें से 171 कॉलेजों में ये पद लंबे समय से खाली है। इसके चलते कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगकर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द नियमित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि रैयतों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पहले 3 माह का समय दिया जाएगा ताकि वे जरूरी कागजात तैयार कर सकें। इसके बाद जनप्रतिनिधियों, रैयतों और अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद सर्वे की काम की शुरुआत होगी। मंत्री ने बताया कि इस संबंध में नोटिस भी जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा कैथी लिपि को लेकर आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनारस और अन्य स्थानों से 100 से अधिक एक्सपर्ट को बुलाया गया है। सभी सर्वे कर्मियों को कैथी लिपि के कागजात को पढ़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि रैयतों की समस्या और ना बढ़े। अब सीधे लिए चलते हैं गया, जहां पितृपक्ष मेले का आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी श्रद्धालुओं की धूम मची है। बता दें कि गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन हर साल श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। मान्यता है कि आज के दिन किए गए पिंडदान से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह स्थान विशेष रूप से धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ा है, जिन्होंने महाभारत युद्ध के बाद यहीं आकर पिंडदान किया था। इस मेले में लाखों तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, जो अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा भाव से पिंडदान कर रहे हैं। विभिन्न तिथियों पर विशेष पिंड वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है और खासकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध करने वालों के लिए हर दिन की तिथि महत्वपूर्ण होती है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर एक कार में शराब की खेप लेकर गायत्री नगर के एक शराब धंधेबाज को सप्लाई करने गया था। सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। जब पुलिस ने तस्कर को रोका तो वे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। कार की तलाशी में 330 टेट्रा पैक शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के गोपालगंज जिले का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया है कि इस खेप को गायत्री नगर के सुनील कुमार ने मंगवाया था। पुलिस अब सुनील कुमार की तलाश में छापेमारी कर रही है। पटना में स्थित एनआईटी में एक छात्रा ने बीते दिन खुद की जान ले ली। ये घटना एनआईटी के बेटा कैंपस स्थित हॉस्टल की है। बता दें कि छात्रा का नाम पल्लवी रेड्डी है, जो आंध्र प्रदेश की निवासी थी। इस मामले पर बेटा के थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने कहा कि छात्रा बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन छात्रा ने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों के बीच पटना महावीर मंदिर प्रशासन भी चिंतित है। उन्होंने लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी और अन्य सामग्री की जांच कराई है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने दावा किया है कि उनके मंदिर में बनने वाले जो लड्डू होते हैं पूरी तरह से शुद्ध होते हैं और सुरक्षित होते हैं। महावीर मंदिर में शुद्ध लड्डू चना दाल का बेसन, गाय का शुद्ध घी, काजू किशमिश और इलायची का उपयोग करके बनाया जाता है। मंदिर परिसर में पूरी सफाई के साथ पहले चना दाल से बेसन तैयार किया जाता है, इसके बाद शुद्ध घी में पकाकर बूंदी बनाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हाथों का उपयोग नहीं होता है। अब जान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के बारे में। जून में T20 वर्ल्ड कप 2024 में इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी और अब एक बार फिर से ये मुकाबला देखने को मिलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इमर्जिंग एशिया कप के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 19 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। यह दोनों टीमों का टूर्नामेंट पहला मैच होगा। भारत जो मौजूदा विजेता है, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान, हांगकांग और UAE की टीमों के साथ खेलते हुए नजर आएगा। भारत का अगला मैच 21 अक्टूबर को UAE से और 23 तारीख को ओमान के खिलाफ होगा। इस बार सभी मैच ओमान में खेले जाएंगे। और बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सपना कुमारी, ओमकार सिंह, दीपक कुमार, नीतीश कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, नंद कुमार सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद अरमान, सादुल्लाह पलवी, जितेंद्र ठाकुर, छोटे लाल, रंजित मिश्रा, छोटू रजा, संजीव कुमार, दिवाकर कुमार, गोनर शर्मा, राम बाबूदास, बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपकी शहर की कोई खास विशेषता है जो लोगों को नहीं पता है, ये जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।